MIUI 13 कवोटी अपडेट कौन कौन से रेडमी Xiaomi पोको डिवाइस को मिल चुका है और कैसे मिल सकता है, अगर आपको जानना है वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए। पसंद आए वीडियो तो लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। MIUI 13 कवोटी अपडेट, अगर आपको अभी तक आपका डिवाइस में नहीं मिला है तो कैसे आपको अपडेट मिल सकता है, या अगर आपको मिला था बट आप उसको स्किप कर दिए, अपडेट नहीं किया, तो कैसे उसको आप मैन्युअली करके डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं मैन्युअली, तो बस स्टार्ट सेंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए। तो देख सकते हैं मैं आपका MIUI 13 अब यूज़ कर रहा हूँ Mi 11X में, और अगर आप MIUI 12.5 यूज़ कर रहे हैं तो आपको बस आपका MIUI 12.5 का लोगो में टैप करना है 4 से 5 बार, उसके बाद आपको कुछ एडिशनल फीचर्स अनेबल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली जो है चूज़ अपडेट पैकेज कर सकते हैं। तो अगर आपको अपडेट मिला होगा आपका डिवाइस में तो आप पैकेज डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा पहले अपडेट चाहिए तो आप रिसीव अपडेट अर्ली का ऑप्शन में टैप करके अनेबल कर सकते हैं, तो आपको जो है थोड़ा बहुत पहले अपडेट बाय चांस मिल जाएगा अगर मिलना होगा तो। तो देख सकते हैं ये सब डिवाइसेस में MIUI 13 का नया अपडेट देखने को मिला है। फर्स्ट आपका डिवाइस है Redmi 10, जिसमें कि आपका MIUI 13.0.4.0 का OTA अपडेट देखने को मिला है, और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, सामने आपको लिंक भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है Redmi 10C, उसके बाद आपको देखने को मिलता है Redmi Note 10 Pro और Pro Max में, तो दोनों में आपको MIUI 13.0.4.0 का OTA अपडेट देखने को मिला है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है Redmi Note 11, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है Redmi Note 11S, जो कि आपका इंडिया में पोको M4 Pro के नाम से है, तो उसका भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपको देखने को मिलता है Redmi Note 11 Pro Plus 5G, जिसमें आपका MIUI 13 का लेटेस्ट OTA अपडेट देखने को मिला है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये आपका ग्लोबल वर्जन का है ना कि आपका इंडियन वर्जन का है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका पोको F3 GT में भी रोल आउट हो चुका, जो कि बहुत पहले हो गया, तो अभी आपका पब्लिक रिलीज भी जो है इसका हो गया, जो कि आप चेक अपडेट करके आपको अपडेट मिल जाएगा, तो तब भी नहीं मिले तो आप इसको डाउनलोड इसको भी कर सकते हैं। फिर आपको पोको X3 Pro में भी देखने को मिलता है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको साइट में देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आपको देखने को मिलता है Mi 11 Lite 5G एनी, उसके बाद आपको देखने को मिलता है Mi 11 Lite आपका, उसके बाद देखने को मिलता है Xiaomi 11T Pro, जो कि आपको देख सकते हैं सभी ज़्यादातर जो है नया और फ्लैगशिप डिवाइसेस को MIUI 13 का नया OTA अपडेट मिल चुका है। उसके बाद आपका Mi 11X Pro, उसके बाद आपका लास्ट में Mi 11X को सबसे लास्ट में अपडेट मिला, तब भी ये भी काफ़ी दिन पहले मिल चुका है। तो ये आपका जितना भी अपडेट मिला था 4 अप्रैल तक, वो आपका ये अपडेटेड है। अगर आपको आपका डिवाइस में नहीं मिला ये सब डिवाइसेस में सिलेक्टेड डिवाइस, जो कि आप नाम देख सकते हैं, तो आप डाउनलोड करके डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका डिवाइस में इंडियन रॉम है तो आपको इंडियन ही फ्लैश करना होगा, ऑब्वियसली आपको पता ही है, जो कि तो ऑब्वियसली सभी डिवाइस इंडियन का ही हो, मतलब इंडियन डिवाइस ही हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप यहीं से परचेज किए हैं, तो बस आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए चेकआउट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और अगर आपको अपडेट तब भी मतलब मिल चुका है वैली तो अच्छा है, नहीं मिला तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो और ट्रिक पसंद आया तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर बेल आइकन को टैप कीजिए, नोटिफिकेशन कॉल में रखिए, हो सके इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ कल कुछ से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, बस मिलते हैं कल।